प्रिय मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है गंगाराम। गंगाराम राशि रतन केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। रतन धारण करने के उपरांत कभी कभी व्यक्ति को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती, इच्छा के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। इसके तीन कारण हैं। पहला, बिना हस्तरेखा बिना जन्मपत्री दिखाए रत्न का चुनाव करना। दूसरा कारण है आपके रत्न का ग्लास मिक्स हेटेड ट्रीटेड और कोबोल फिल्ट होना। इसको थोड़ा आप सीरियसली समझें। जब रत्न की मूल संरचना के साथ छेड़खानी की जाती है तो वह देखने में सुंदर और चमकदार तो हो जाता है, लेकिन वह आपको ग्रह का प्रभाव नहीं दे पाता। इसीलिए गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न आप खरीदें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। आज की वीडियो में रत्नों के सूट ना आने के कारण, रत्नों के लाभ ना करने के कारण और उनके निवारण, रत्नों से जुड़ी हुई बारीक से बारीक विषय पर मैं आपको बात करूंगा। और आज की वीडियो पूरी देखने के बाद जिंदगी में कभी कोई आपको रत्नों के मामले में धोखा नहीं दे पाएगा, आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। दोस्तों विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं रत्न की शुद्धता के विषय में। मित्रों, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की मूल संरचना के साथ छेड़खानी की जाती है और कारस्तानी उसके साथ की जाती है तो उसमें विकार आ जाता है। लेबोरेटरी में जब रत्न को गर्म किया जाता है, उसमें कलर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसमें बाहरी तत्वों का सम्मिश्रण भी कर दिया जाता है तो वह देखने में बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत चमकदार हो जाता है, आपको आकर्षित करता है, लेकिन वह आपको फायदा नहीं करेगा। इस समस्या का पक्का समाधान है, जब आप रत्न खरीदें तो आप गवर्नमेंट लैब कराएं। दिल्ली झंडेवालान में गवर्नमेंट लैब है, IGI GTL करके, इस तरह का उनका सर्टिफिकेट होता है, आप स्क्रीन पर देखिए इसको। हो सकता है सर्टिफिकेट में ऊपर की तरफ लिखा हो नेचुरल ब्लू सफायर, नेचुरल एमरेड, जो भी, लेकिन नीचे कमेंट ये देखिए, कमेंट उसमें नीचे की तरफ जो होता है उसे आप जरूर पढ़िएगा। संतुष्ट होने के बाद ही रत्न को आप उसका पेमेंट करिएगा। तो मित्रों, रत्न के सूट ना करने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण सही चुनाव का अभाव। जैसे मकर और कुंभ लगन वाले जातकों को माणिक मोती और पुखराज जहर का काम करते हैं, कर्क और सिंह लगन वाले जातकों को शनि षष्ठेश मार्केश और अष्टमेश होते हैं, नीलम आपको भारी नुकसान कर सकता है। तो विशेषज्ञ को जन्मपत्री और अपनी हस्तरेखा दिखाने के उपरांत ही आप रत्न धारण करें तो वह आपके पक्ष में रहेगा। मन मर्जी से रत्न ना पहने, व्यक्ति दैवीय सहायता के लिए और बड़े शौक से अपनी गाढ़ी कमाई के दो पैसे खर्च करके रत्न धारण करता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आपको फायदा होगा। रत्न के काम ना करने का तीसरा और बड़ा कारण है, जब आप रत्न खरीदें तो उसको चारों तरफ घुमा करके देखें, उसमें छोटे छोटे गड्ढे नहीं होने चाहिए, आपका रत्न साफ सुथरा होना चाहिए, आपके रत्न में स्क्रैच नहीं होने चाहिए, अंदर या बाहर की तरफ कोई बड़ा चीर चपाट का निशान नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपका रत्न दोरंगा नहीं होना चाहिए। रत्न रश्मि सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर रत्न खंडित है तो प्रकाश की किरणें विकृत होकर आपके शरीर में जाकर आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जिस रत्न का आप धारण करो, जिस रत्न को, उसके मेटल का आपको पता होना चाहिए। रत्न की प्रकृति तो कुछ है, और अंगूठी आपने किसी और धातु में बनवा दी तो वह भी आपको लाभ कम करेगा।
सूर्य का प्रिय रत्न माणिक आप तांबे में पहनिए, मोती आप चांदी में पहनिए, मूंगा आप तांबे या सोने में, पन्ना पंचधातु या अष्टधातु या सोने में आप धारण कीजिए, और गुरु का रत्न है पुखराज को आप सोने में या अष्टधातु पंचधातु में पहनिए, फायर ओपल या सादे ओपल को आप चांदी में पहनिए, नीलम को अष्टधातु पंचधातु सोने में पहनिए, और लहसुनिया और गोमेद को अष्टधातु और पंचधातु में आप धारण कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रिय मित्रों, जिस ग्रह का रत्न आप धारण करने जा रहे हैं उस ग्रह का मंत्र और उस रत्न को धारण करने की विधि भी आपको ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो किसी विशेषज्ञ की राय ले लेने में कोई घाटा नहीं है। इसके लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। प्रिय मित्रों, सूर्य जो भी रत्न आप धारण करें वह प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक ही पहने, उस समय पहनने से फायदा बहुत ज्यादा होता है। अपनी दैनिक पूजा पाठ करने के उपरांत रत्न को पंचामृत में स्नान कराएं। पंचामृत में स्नान कराकर सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, चंद्रमा का मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, मंगल का मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः, बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, गुरु का मंत्र है ओम गुरुवे नमः, शुक्र का मंत्र है ओम शुक्राय नमः, शनिश्चर देव का मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, राहु का मंत्र है ओम राववे नमः, केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। रत्न को पंचामृत में स्नान करा करके उस ग्रह का मंत्र जप के उसके बाद आप धारण करें। फिर रत्न को किस रत्न को कौन सी उंगली में धारण करना है इसका भी आप ध्यान रखें, और रत्न धारण करने के उपरांत कुत्तों को तेल के पराठे, ब्रेड या बिस्किट आप जरूर खिलाएं, थोड़ा दान पुण्य करें, गरीब आदमी को कपड़े दान करें या कुछ भोजन दान करें, तो निश्चित रूप से वह रत्न आपके लिए बहुत लाभ करेगा। रत्न धारण करने से व्यक्ति का ओरा, उसके आसपास का जो एनर्जी लेवल है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, व्यक्ति के माइंड के काम करने की क्षमता बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रत्न धारण करने से आपको निश्चित लाभ होता है। जो लोग शुद्ध नीलम पुखराज पन्ना या माणिक पहनते हैं कभी भी दूसरा आदमी उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता, उनका आसपास का जो क्राइटेरिया है वह इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य।